दोस्तों इंडिया में डबल डेकर बस कुछ ही सिटीज में चलाए जाते हैं, जैसे मुंबई, कोचीन, वडोदरा, इन सिटीज में ही चलाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि हमारे देश का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद ये बस हमारे देश में इतने कम क्यों चलते हैं, तो आज हम यही जानने वाले हैं। लेट्स गो। इसके तीन मेन रीज़न है कि क्यों डबल डेकर बस को इंडिया में कम प्रेफरेंस दिया जाता है। फर्स्ट रीज़न है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली फैक्ट्री से डबल डेकर बसेस बनाकर नहीं बेचती, क्योंकि इनके डिमांड काफ़ी कम होते हैं तो इसके कस्टम बनाने पड़ते हैं, और एक बार जब कंपनी से बस आ जाती है तो उसके स्ट्रक्चर चेंज करने में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जिनकी वजह से बस की इनिशियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। सेकेंड रीज़न है रूट लिमिट, यानी कि रूट की कमी। जैसे कि एक डेक ऐड करने से बस की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है सिटीज रोड के हिसाब से, तो ज़्यादा रूट्स बचते ही नहीं जहाँ पर डबल डेकर बस को चलाया जा सके। कहीं पर वायर, कहीं पर केबल, कहीं पर ट्री कवर बहुत ज़्यादा होना और कहीं पर सिग्नल, इन सारी चीज़ों की वजह से डबल डेकर बसेस कई रूट पर नहीं चल पाते हैं। तो अब हम जानते हैं तीसरा रीज़न क्या है, वो है रनिंग कॉस्ट। एक नया डेक ऐड करने से बस की वजन काफ़ी बढ़ जाती है और इसके वजह से वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है और ज़्यादातर रूट्स पर वो अनइकोनॉमिकल बन जाती है। इसलिए अगर बस को प्रॉफिटेबल चलाना है किसी रूट पर, तो वहाँ पर पैसेंजर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादातर वक्त वो बस भरी होना चाहिए पैसेंजर से, तो ही वो अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएगी। और कई सारे रूट्स पर ऐसा पॉसिबल नहीं है और यही रीज़न है कि डबल डेकर बसेस सिर्फ कुछ सिटीज़ में ही चलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि डबल डेकर बसेस को कभी अपनाया नहीं गया। 1960s से लेकर 1980s तक में हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इन सारे सिटीज़ में डबल डेकर बसेस चला करती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे शहरों में ब्रिजेस के नंबर बढ़ते गए, वायर केबल हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, उस समय से ही इन बसेस को कम प्रेफरेंस मिलने लगा और अभी इन बसेस को बहुत कम जगह पर ही चलाया जाता है, वो भी लिमिटेड रूट्स पर ही। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।